एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सफर विद पॉल। आपको पता है भाई साहब, आपका भाई साहब अहमदाबाद में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आया था, और आपको ये भी पता है कि भाई साहब वीडियो बढ़िया बनी थी, और आपको ये भी पता है कि जहां आपका भाई जाता है उसका वीडियो जरूर बनाता है होटल का। तो आज का दिन जो है 15 अक्टूबर 2023, दिन है संडे, ये टाइम है आपको होटल का रिव्यू देने का, होटल दिखाने का, होटल का कैसा है, आप लोग रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं होटल विस्तार से। जो हम लोग रुके हैं होटल में, ये है अपना कनक बीकन। लोकेशन थोड़ा बता देता हूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ उस्मानपुरा एरिया में। ये अपना रेलवे स्टेशन से 4-5 किलोमीटर दूर है, और आपका एयरपोर्ट की बात करूँ तो 8 किलोमीटर, और मोटेरा स्टेडियम की बात करूँ तो यहाँ से हार्डली 3 या 4 किलोमीटर का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग हार्डली 7-8 मिनट में स्टेडियम पहुँच गए थे। तो चलिए आपको चलते हैं होटल का रिव्यू, तो होटल ही दिखाते हैं। बाकी कुछ इस तरह का रहता है अपना पार्किंग स्पेस, इस तरह भी अपनी गाड़ी खड़ी हो सकती है और इस तरह भी अपनी गाड़ी खड़ी हो सकती है। वैसे बाहर खड़ी करने की बहुत जगह है, बाहर जगह ना हो तो यहाँ पे भी खड़ी कर सकते हैं आप लोग। चलिए आपको लेकर चलते हैं रिसेप्शन से अपने रूम की तरफ। ये अपना पूरा रिसेप्शन एरिया रह जाता है, अपने चेक इन चेकआउट की समस्या यहाँ ख़त्म हो जाती है, और लेफ्ट साइड भी अपना रेस्टोरेंट है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपना लिफ्ट वाला एरिया। यहाँ से आपको लेकर चलते हैं अपने रूम पे, जो कि है सेकंड फ्लोर पे। कुछ वाइड एंगल में देख लीजिए रिसेप्शन एरिया, चलते हैं आपको ऊपर लेकर। अपना रूम जो है वो अपने सेकंड फ्लोर पे दब गया, और भाई बंद कर दो दरवाज़ा, ये हो गया अपना एलिवेटेड बिल्कुल बंद। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, अब 5 फ्लोर है कुल, और 5 फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट लगा है, तो भाई साहब फ्लोर की कोई समस्या नहीं है। नीट एंड क्लीन होटल है, साफ़ सुथरा है, मतलब उतना हाई फाई नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने हिसाब से मिडिल क्लास फैमिली के अफोर्ड कर सकता है। 2-2.5 हज़ार में खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, आपको अब लेकर चलते हैं अपने रूम की तरफ। कुछ इस तरह का अपना लॉबी एरिया रहता है, बाकी एक फ्लोर मेरे ख्याल से 4 या 5 रूम है, प्रॉपरली वेंटिलेटेड है। आपको अंदर चल लेता हूँ, ये 205 204, अपना जो रूम है ये 203 है। चलिए आपको 203 रूम अंदर लेकर चलते हैं, और आपको रूम का इंटीरियर दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह का अपना रूम रहता है, वाइड एंगल में आप देख लीजिए, थोड़ा एसी लगा है, पंखा लगा है। बाकी मैं आपको इसको दरवाज़ा बंद करके दिखाता हूँ। आपको एंट्री करने के लिए ऐसा कुछ कार्ड मिल जाता है, आप कार्ड यहाँ लगाएंगे तो आपके कमरे की लाइट वेट सब आ जाएगी। बाकी यहाँ पे स्टडी टेबल टाइप का है, केटल मिल जाता है आपको गर्म पानी ठंडा पानी के लिए, और चाय वाय बनाने के लिए कॉफ़ी दी गई है, और चाय पत्ती चीनी सब कुछ है। एक सुंदर सी पेंटिंग लगी है। आपको सामान वामान अगर रखना है तो सामान आप इस कबर्ड के अंदर भी रख सकते हैं। ये देखिए, हम लोग ने अपना कपड़ा यहाँ रखा हुआ है। बाकी कुछ इस तरह का है कबर्ड पूरा। एक आपको टेबल चेयर मिल जाती है यहाँ पे, एक सेंटर टेबल, ये मतलब कि साइड में आपके बेड के साइड में लगा हुआ है, अपना सामान रख सकते हैं इसके ऊपर। बाकी ये क्वीन बेड है, यहाँ पे प्रॉपर आपको मिल जाएगा, 2 लोगों के लिए सफिशेंट है, आराम से इसमें लेट सकते हैं। बाकी पिलो मिल जाता है, साफ़ सुथरा है, कंबल अम्बल भी साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन बिल्कुल है, लाइट वेट आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको एक LED मिल जाता है डिश टीवी के साथ, और सामने का कुछ भी इस तरह का है, प्लस एक टेबल वेबल मिल जाती है आपको यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए, एक इंटरकॉम मिल जाता है। बाकी आपका इन रूम डाइनिंग है, इनका मेन्यू कार्ड रहेगा, आपको ये कुछ भी ऑर्डर करना है यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, और आपके रूम पे आ जाएगा। तो बाकी मैं अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, तो अगर आप मतलब ऑफ टाइम पर लेते हैं, जबकि जैसे कि हम लोग मैच के दिन पर आए थे, तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा ये करीब 7.5-8 हज़ार का पड़ा। वैसे नॉर्मल ऑफ डे बुक कर दो तो आपको 1800-2000 में रीजनेबल ये रेट मिल जाएगा आपको। अगर ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराते हैं तो मेरे ख्याल से 2500 रुपये का पड़ता है, 2500 में 2 लोगों का ब्रेकफास्ट, एक 24 घंटे का आपका स्टे हो जाता है आराम। इसलिए आपको लेके चलते हैं वॉशरूम, थोड़ा वॉशरूम का नज़ारे भी आप देख लीजिए। बाकी वेस्टर्न कमोड मिल जाता है आपको, ये छोटा सा सिंक लगा है, शैम्पू शैम्पू की व्यवस्था मिल जाती है, टॉवल टूल हमने यूज़ किया रखा है तो ऐसा दिख रहा है आपको। बाकी शावर लगा हुआ है, ठंडा गर्म पानी की पूरी व्यवस्था है, वहाँ पे आपको शावर जेल मिल जाता है। कुछ इस तरह का है इनका नहाने का सिस्टम। बाकी मेकअप वेकअप करने के लिए, सजने संवरने के लिए बड़ा सा मिरर भी दिया है। मेरी हाइट करीब 6 फुट की है, तो मान लीजिए ये 6 फुट 2 इंच का तो मिरर है ही कम से कम। बाकी एसी वेसी बिल्कुल शील्ड कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात में हम लोग को सोने के लिए कंबल का यूज़ करना पड़ा था।
बाकी एक बार और देख लीजिए, वाइड एंगल पूरा कमरा, काफ़ी बड़ा कमरा है, स्पेशियस है, चलने फिरने उछलने कूदने के लिए बढ़िया जगह है। अगर आप बच्चे बच्चों के साथ आ रहे हैं कोई समस्या नहीं होने वाली है। होटल मेरे उस राइट हैंड साइड में है, हार्डली 200 मीटर आया होंगे, यहाँ पे मुझे परोठा हाउस मिल गया पीछे। यहाँ बिल्कुल देसी खाना है। अभी हम लोग चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको क्या मिलता है, खाने की क्वालिटी कैसी है, क्या रही है, आपको रिव्यू दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि आपको यहाँ पे आकर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। चलते हैं अंदर, आपको थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट दिखाते हैं और खाने में क्या ये भी दिखाते हैं। तो हमारा जो है नॉर्मल देसी थाली आ गई है, जैसे कि मैं बताया था होटल के पास कोई खाने की व्यवस्था नहीं, लेकिन 100 मीटर आप लेफ्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पर बढ़िया खाना मिल जाएगा। ये हमने जो है 3 पराठे मिलेंगे इस तरह के, एक आलू की सब्ज़ी ली है और एक ये कड़ी की सब्ज़ी है, ये चटनी और प्याज, ये हमको कुल पड़ा है 50 रुपये का। मतलब साफ़ सुथरा घर जैसा देसी खाना है, अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है इसका। मतलब आपका अगर बजट कम है, कम बजट में आपको खाना खाना है, रहना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही भाई साहब, और अपने दोस्त यारों को इसको शेयर कर दीजिए। होटल हमको अच्छा लगा, रेटिंग की बात करेंगे तो 10 में से 6-7 दे देंगे, क्योंकि बजट फ्रेंडली होटल है। 2-2.5 हज़ार में नॉर्मल डेज में आपको आराम मिल जाएगा विद ब्रेकफास्ट। मैच वैच के चक्कर में थोड़ा महंगा कर दिया था, वो हर एक होटल महंगा था, तो इनकी भी कोई गलती नहीं, उन्होंने कर दिया। बाकी खाना हमने वहाँ पर लिया नहीं था। होटल साफ़ सफाई के मामले में अच्छा था, तकिया से लेकर आपका कंबल से लेकर बाथरूम से लेकर सब कुछ साफ़ सुथरा था, हर चीज़ अवेलेबल था, आपका कॉफ़ी से लेकर चाय सब मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफर विद पॉल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।